आपने विजुअल्स में देखा कि एक इंसान जो है चल नहीं रेंग रहा है, और वो शख्स जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट गुरमुल का रहने वाला शख्स है, और वो डिसेबल हैं। जानेंगे इनसे कि ये कब से डिसेबल हैं और कैसे ये पूरा हादसा इनके साथ हुआ, और इनकी जो मदद है वो लोग करते हैं, लोग इनको पैसा देते हैं, राशन वगैरह देते हैं और इनका सपोर्ट करते हैं। अभी ईद का टाइम है, अभी ईद के टाइम पे ये हमें यहाँ पे मिले रोड में, और इनकी समस्या ये नहीं थी कि मुझे खाना नहीं, इनकी समस्या ये थी कि इनको एक सोशल वेलफेयर ऑफिस की तरफ से एक स्कूटी जो है वो मिलती है, और उस स्कूटी जो है चोर लेके चले जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि चोर उस स्कूटी को लेकर जाते हैं। इनसे ही बातचीत करेंगे कि आखिरकार कहाँ पे स्कूटी रखी हुई थी और कैसे चोरी हुई। बटू लोन जी, आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। आहो सर, मुझे ये बताओ कि ये आपके साथ हादसा कैसे क्या हुआ? हादसा तो ये पोलियो है, मुझे पोलियो 2 साल की उम्र में पोलियो हो गया था, उसके बाद पोलियो का शिकार रह गया मैं। 2016 में मुझे स्कूटी मिली थी, तो वो मैंने रोड पे लगा के रखी, तो रात को चोरों ने वो ले ली, चोरों ने वहाँ से ले ली। उसके बाद पुलिस को कंप्लेंट शम्पलेट की मेरी, तो उन्होंने निकाल नहीं पाई वो। उसके बाद न्यूज़ में भी डाला मैंने 2-3 बार, डीसी डोडा जो पहले के डीसी थे उनके पास भी गया मैं, मगर उन्होंने दिलाई नहीं मुझे। तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि आप पहले वाली गाड़ी थी, कहाँ गई, कैसे चोरी हुई, कैसा क्या हुआ, बस यही। तो पुलिस वगैरह के पास आपने कंप्लेन की जाके? पुलिस के पास भी मैंने कंप्लेन की थी, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की मगर मिला नहीं, उनको गाड़ी मिली नहीं, बड़ी कोशिश की लगाई। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कोशिश बहुत की, हमने मिली नहीं गाड़ी आपकी। आपके ये मुझे बताओ कि आपके घर पर कौन कौन रहता है? घर में भाई एक रहता है बस, बाकी भाई एक ही, उसके बच्चे बस। यहाँ सिटी में ही होते हैं आप, या आपने शादी वगैरह की? आपने कोई शादी वादी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिटी में रहते हैं? घर ही जाते, ज़्यादा दिन को सिटी में रहता हूँ। तो क्या लोग जो हैं हेल्प करते हैं सिटी के? हाँ, लोगों में हेल्प करते हैं और क्या। तो ये जो स्कूटी आपको मिली थी, ये डिसेबिलिटी के ऊपर मिली थी आपको, और इस स्कूटी के अलावा कोई फाइनेंशियल कुछ और मिलता है आपको गवर्नमेंट की तरफ से? फाइनेंशियल क्या, 1000 रुपये मिलता है एक महीने का बस, जो पेंशन डिसेबिलिटी पेंशन। हाँ, पेंशन 1000 रुपये मिलने का, उसके अलावा कुछ नहीं? उसके अलावा कुछ नहीं। उस 1000 रुपये में खर्चा चल पड़ता है? कहाँ चलता है उस पर खर्चा, लोगों की हेल्प से ही चलता है, तो उस 1000 रुपये कहाँ चलेगा, उस 1000 से कुछ नहीं बनने वाला है। लोगों की हेल्प ना हो तो 1000 से कुछ नहीं बनने वाला। अभी ईद है, और ईद की क्या तैयारियाँ की हैं आप? ईद की क्या तैयारी करूँगा मैं, कुछ नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, क्या तैयारी करेंगे, जो तैयारी करनी थी वो लॉकडाउन में ख़त्म हो गई, तो अब कोई तैयारी शारी नहीं, कुछ भी जैसे हैं वैसे चलेगा। क्या आपने जैसे मुझसे बात करते हुए कहा कि मेरी उम्मीद टूट चुकी है, अब मिलनी है कि नहीं स्कूटी? हाँ, मेरी तो वो टूट गई है कि अब देखो चलने फिरने बहुत सख्ती आती है, बहुत मुसीबत आती है चलने फिरने, इसलिए रिक्वेस्ट की थी मैंने कि जाकर दूसरी स्कूटी मिल जाए, मेहरबानी हो जाए। नहीं, स्कूटी जब आपके पास थी तो हेल्प हो जाती थी चलने में, चलानी वगैरह? हाँ, चलने में बहुत हेल्प हो जाती थी मुझे, चलने फिरने में आसान हो जाता मुझे। इस वक्त रोड में चलना, रोड पे क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता मुझे, और घर में जाना होगा तो 100-200 किराया लग जाएगा, उतना पैसे कहाँ से लाने भाई। अपनी स्कूटी होती चलो, अपना जैसे लॉकडाउन में गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, चलने फिरने में बड़ी आसानी हो जाती है। आप कहाँ पर रखी थी आपने ये जो स्कूटी जो है वहाँ से चोरी हो? ये इधर डोडा SP ऑफिस के अगले साइड मोड़ पे रखी थी, SP ऑफिस के आमने सामने से चोरी? हाँ, वहाँ पर होटल के बाहर लगी थी, वहीं से चोरी हो गई। उसको लॉक वगैरह नहीं लगा हुआ था? लॉक वाक भी लगा था, पता नहीं चलता है चोरों ने कैसे लॉक तोड़ दिया, क्या कर दिया, कोई गाड़ी के अंदर डाल दिया, क्या किया पता नहीं चलता है। आप देख सकते हो कि चोरों ने, क्योंकि चोरों की कोई जात नहीं होती, और जो चोर होते हैं वो देखते नहीं, सोचते नहीं कि आखिरकार किसकी। उन्होंने भी देखा कि
एक डिसेबल बंदे की स्कूटी चुराना कितना बड़ा एक पाप हो सकता है। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी धर्म के लोग जो हैं जिन्होंने वो चोरी है, कितना बड़ा पाप हो सकता है उसके लिए। गवर्नमेंट की तरफ से एक इंसान को जो हेल्प मिलती है, लेकिन चोर जो हैं वो लोग नहीं सोचते कि गवर्नमेंट जो है उन लोगों के लिए कुछ काम कर रही है जो लोग डिसेबल हैं, और ये लोग जो हैं ये उन्हीं को शिकार बनाते हैं। और क्या बताना चाहेंगे, आखिर में क्या बताना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को? एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट यही है कि अगर मुझे स्कूटी दिलाएं तो बहुत मेहरबानी होगी, एहसान मंद हो जाए उनका मैं, कि मेरे को फिर ज़िंदगी बहाल हो जाए मेरी, नहीं तो मेरी ज़िंदगी मुश्किलात में जा रही है, मेरा जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये रिक्वेस्ट कर सकते हो, और क्या रिक्वेस्ट करेंगे? तो आपने सुना कि कैसे जो है एक शख्स की स्कूटी जो है चोरी हो जाती है। अफसोस है जनाब इस बात पे कि उन लोगों ने जो है ये सोचा नहीं कि आखिरकार किस इंसान की जो है स्कूटी चोरी की करनी है, या उन्होंने देखा नहीं उस दो पहियों के पीछे के पहिए जो दो लगे थे, उन दो पहियों को देखा नहीं कि वो एक किसी डिसेबल, किसी अपाहिज, बोलना भी नहीं चाहिए चीज़, क्योंकि मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, हम कह सकते हैं स्पेशल पर्सन, एंड उन लोगों की जो है चोरी कर लेना, मतलब स्कूटी आप चोरी करते हो लेकिन आपने वो स्कूटी चोरी कर दी जिससे किसी की टांगे नहीं थी, उसको टांगे थी वो स्कूटी, और गवर्नमेंट ने उसको वो टांगे दी थी और वो टांगे जो हैं वो चोरों ने चोरी कर ली। तो अब द लोकल रिपोर्ट के साथ बने रहो, उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है सख्त कदम उठाएगी और पुलिस डोडा जो है कार्रवाई करेगी और जल्द से जल्द जो है उन चोरों को पकड़ेगी और स्कूटी को पकड़ेगी और इनके हैंडओवर करेगी। और द लोकल रिपोर्ट ये भी अपील करता है कि अगर वो स्कूटी नहीं मिलती है तो एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा से जो है एक स्कूटी जो है इनको देनी चाहिए, जिसके कारण ये जो है अपने घर गुरमुल, जैसे इन्होंने कहा कि ये गुरमुल के रहने वाले हैं, तो गुरमुल से डोडा, डोडा से गुरमुल जो है जा सके। तो बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ, सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।